हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप एंड्रॉयड में अपने थीम को चेंज कर सकते हैं, जो इसके इनबिल्ट थीम चेंज है चेंजर है उसके थ्रू। तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जो ये थर्ड नंबर पे थीम, आपके केस में अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन में अलग अलग जगह पे हो सकता है, लेकिन ये डिस्प्ले सेक्शन में जनरली मिलेगा। तो उसके बाद आप थीम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे दो थीम है मेरे पास, एक है रिदिम ऑफ द मॉर्निंग और सेकंड है बिजनेस लाइफ। तो फिलहाल जो अभी थीम जो चल रहा था वो है रिदिम ऑफ द मॉर्निंग, अभी मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ बिजनेस लाइफ पे। आप प्ले स्टोर से भी अलग अलग टाइप के थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, ये इनबिल्ट थीम है। आप बैक करके देखते हैं किस तरह से ये शो करता है। तो देख सकते हैं इसका जो थीम है वो चेंज हो गया है, और ये जो थीम है आइकन का चेंज हुआ है, जो इनबिल्ट, जो मेरे केस में ये मैक्रोमैक्स का मोबाइल है, तो इसमें जो आइकन था इनबिल्ट आइकन दिया गया था वो चेंज किया गया है। जो प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, माई जियो हो गया, इंस्टाग्राम, इसका आइकन चेंज नहीं हुआ है। जो इनबिल्ट इसमें ऐप दिए गए थे उसका आइकन चेंज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये म्यूजिक का आइकन चेंज हो गया है, कैमरा का आइकन चेंज हो गया है, फिर क्लॉक का चेंज हो गया, गैलरी का चेंज हो गया, फाइल मैनेजर का चेंज हो गया, एफएम रेडियो का चेंज हो गया, मतलब जो जो इनबिल्ट था उसका थीम चेंज हो गया है। अब ये देख सकते हैं ये जो थीम मैंने अभी इंस्टॉल किया, अगर मैं इसे वापस पहले वाला थीम में ले जाऊँ तो उसी तरह सेटिंग में जाएंगे, फिर डिस्प्ले में, और फिर जाते हैं थीम में। अगर मैं पुराने थीम पर सिलेक्ट करता हूँ तो एज इट इज जो पहले था मेरा थीम वो आ जाएगा। तो ये मेरा पहला थीम है जो पहले से था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूजिक का आइकन किस तरह से है और जब मैंने चेंज किया तो किस तरह से था। ये बेसिकली आइकन को चेंज कर देता है और कुछ नहीं, थोड़ा अलग अट्रैक्टिव लगेगा। आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी बहुत सारे थीम्स होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अगर सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में थीम, या फिर लॉन्चर, ये लॉन्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सीएम लॉन्चर है, ब्यूटी बटरफ्लाई लॉन्चर है, आप कोई भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं मन मुताबिक। कि ये है लव थीम लॉन्चर, ये है 4.7 MB का, इसे इंस्टॉल करते हैं और इसे चेक करते हैं किस तरह से। एक यहाँ पे स्क्वायर होम थ्री लॉन्चर, ये बेसिकली विंडोज़ की तरह है, जो विंडोज़ के मोबाइल आते थे उस तरह का ये लॉन्चर है, थीम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ वहाँ पर एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो अभी ये जो थीम था मैंने जो डाउनलोड किया था वो डाउनलोड हो चुका है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं और ये जो है एंड्रॉयड का जो यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक चेंज कर देगा। इसके लिए आपको एग्री करना होगा। गो टू होम स्क्रीन, और ये थीम को चेंज करा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा, आप माई लॉन्चर जो इनबिल्ट
प्री इंस्टॉल जो लॉन्चर दिया गया था, थीम दिया था, उसे यूज़ करना चाहते हैं, या फिर न्यू 3D लव लॉन्चर जो अभी मैंने डाउनलोड किया है उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप जो अभी इंस्टॉल किए उसे चेक करने के लिए आप इसे कर सकते हैं जस्ट वंस। ट्राई अगेन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसने चेंज कर दिया है। ये प्ले स्टोर है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये प्ले स्टोर खुल गया, और ये व्हाट्सएप है, इसने व्हाट्सएप का भी आइकन चेंज कर दिया है, ठीक है। ये फ़ोन है, ये यूट्यूब है, काफ़ी एक तरह का लग रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कहाँ कहाँ गया आपका ऐप। इधर गैलरी आ गया है, ये कॉल है। तो बेसिकली ये यूजर इंटरफेस ऊपर का जो थीम होता है वो चेंज कर देता है, आइकन चेंज कर देता है। ये आपको बहुत सारे जो है थीम मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के, और इसमें अलग अलग आपको इसी का ही थीम आपको नज़र आ जाएगा इसी कंपनी का। इसमें आप इसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये बटरफ्लाई लुक है तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अलग अलग थीम है, आप अपने मन मुताबिक जो भी थीम चाहते हैं वो डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं।